यूनिक स्टाइल ऑफ टीचिंग आप देख रहे हैं, जो कि भाई एजुकेशनल यूट्यूब चैनल है। बहुत सारा एजुकेशनल मटेरियल इसके ऊपर मैंने अपलोड किया हुआ है, पर्टिकुलरली मैथ्स की बहुत सारी वीडियोज़ हैं जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। इसमें मेरा रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को देखने के बाद अपना प्रैक्टिस करें ताकि मैथ्स आपका परफेक्ट हो सके। इससे पहले कंप्लीट चैप्टर फोर अपलोड हो चुका है और चैप्टर फिफ्थ का 5.1, 5.2 और 5.3 के क्वेश्चन 1-5 अपलोड हो चुके हैं। आज हम इसमें क्वेश्चन 6 की तरफ मूव कर रहे हैं। द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग द पॉलीनोमियल पी ऑफ एक्स एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 7 बाय एक्स प्लस 1 इज 2b। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए and b if this expression leaves a remainder of b plus 5 on being divided by x minus 2। ये इसने एक लंबी सी स्टेटमेंट दे दी है और यूं ही क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा होता है और स्टेटमेंटल क्वेश्चन में अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। अगर मेरी आपने सारी ऊपर वाली वीडियोस को अच्छे तरीके से देख लिया है तो आप अच्छे तरीके से इसमें परफॉर्म कर सकेंगे। उसने पहली बात ये कही है कि ये पॉलीनोमियल है और ये इसको x प्लस 1 के साथ डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर 2 भी आ जाता है। चलें पहले हम इसको कर लेते हैं। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 7। अब x प्लस 1 के साथ इसको डिवाइड करना है तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू माइनस 1। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें x को हम रिप्लेस करेंगे माइनस 1 के साथ, तो कर दें, पहले वाली ही सूरत हाल है। माइनस 1 जब रिप्लेस किया तो ये आ जाएगा माइनस 1 और ये प्लस a आ जाएगा और ये प्लस 7 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो हमारे पास रिमाइंडर ही आता है, इसकी जगह उसने कहा 2b प्लग कर दें। ये ले 2b प्लग कर दी, क्या मसला है, परेशानी वाली इसमें कोई बात नहीं है। ए प्लस अब 7 और माइनस 1 बीइंग लाइक टर्म्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड इट विल बी 6। तो हमारे पास ए प्लस 6 इज इक्वल टू 2b आ गया। इसको मैं बॉक्स कर देता हूँ ताकि नेक्स्ट ये यूज़ होगा। अब जी अगली बात उसने क्या की, उसने कहा है दिस एक्सप्रेशन लीव्स आ रिमाइंडर ऑफ बी प्लस 5 ऑन बींग डिवाइड बाई एक्स माइनस 2। दिस एक्सप्रेशन का मतलब ये हो कि इसी पोलिनोमियल को, सिर्फ उसने वर्ड चेंज किया है, इंग्लिश की मार दी आपको। चलें जी पी आप ले लें, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 7। एक्स माइनस 2 के साथ इसको आपने डिवाइड करना है तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। एक्स को रिप्लेस करें 2 के साथ, ये हो जाएंगे 8। मैंने क्यूब ले लिया डायरेक्ट,
और ये हो जाएंगे एक्स स्क्वायर फोर, फोर ए हो जाएगा प्लस सेवन। अब वो कह रहा है कि पी ऑफ टू का जो आंसर है वो बी प्लस फाइव है, क्योंकि आपके पास ये रिमाइंडर मिल गया ना आपको, तो आप कह दें बी प्लस फाइव इज इक्वल टू फोर ए प्लस एट प्लस सेवन फिफ्टीन। अब आपके पास इस फाइव को दूसरी तरफ ले जाएं, पी इज इक्वल टू, बल्कि इधर इसको ले जाएं, बी को उधर ले जाएं, फाइव को उधर ले जाएं, ये मैं इसको कट कर देता हूँ, ये आपके पास आ जाएगा फाइव माइनस फिफ्टीन इज इक्वल टू फोर ए माइनस बी हो जाएगा। अब ये हो जाएगा माइनस टेन इज इक्वल टू फोर ए माइनस बी। जब मैं इसको सीधा करके लिखता हूँ तो ये हो जाएगा फोर ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस टेन। इसको भी मैंने बॉक्स किया ताकि हमें पता चल जाए ये इसको हमने यूज़ करना है। देखिए इसके बाद जो है ना ये कॉन्सेप्ट है साइमल्टेनियस इक्वेशन का। अच्छा वो आपको मैं अगर आता है आपको ठीक है कॉन्सेप्ट, नहीं तो बता देता हूँ। हमारे पास ए प्लस टू बी इज इक्वल टू, बल्कि ये सॉरी ए प्लस सिक्स इज इक्वल टू टू बी है। ए अब इसको टू बी को इधर लें, टू बी इज इक्वल टू माइनस सिक्स हो जाएगा। और दूसरी जो इक्वेशन है हमने जो फाइंड किया है वो हमारे पास है जी फोर ए माइनस बी इज इक्वल टू लाइक दिस, फोर ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस टेन। यहाँ लिखें आप फोर ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस टेन। साइमल्टेनियस इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हम इसको मार्क करेंगे वन और इसको मार्क करेंगे टू। इस वाली इक्वेशन को अगर हम टू के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास बी इक्वल आ जाएगा। अच्छा ए को उसी तरह, पहले वाली को उसी तरह रखें ए माइनस टू बी इज इक्वल टू माइनस सिक्स। अभी आप फोर टू ज़ार एट ए और माइनस टू बी इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी। अब चूंकि ये इनके टू बी इक्वल हो गए हैं, इनके साइन को हमने चेंज करना है, यानी इसके साइन चेंज करें लाइक दिस, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। उसके बाद ये हो जाएंगे माइनस सेवन ए इज इक्वल टू ये ट्वेंटी और ये माइनस सिक्स हो जाएंगे फोर्टीन। अब माइनस सेवन को दूसरी तरफ ले जाएं, ए इज इक्वल टू फोर्टीन अपॉन माइनस सेवन, ए का आंसर आपके पास आ जाएगा माइनस टू। इसको करें आप बॉक्स ताकि पता चले ए का वैल्यू आपको मिल गया, ये पहला आंसर आपके पास आ गया। अभी आपने ए प्लस सिक्स इज इक्वल टू टू बी जो कि आपकी पहली इक्वेशन पहली पॉलिनोमियल का रिमाइंडर है, इसमें रिप्लेस कर दें आप ए को टू के साथ जो कि वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है प्लस सिक्स इज इक्वल टू टू बी। अब ये आ जाएंगे फोर इज इक्वल टू टू बी, बी इज इक्वल टू आ जाएगा फोर अपॉन टू, बी इज इक्वल टू आ जाएगा टू टू ज़ार फोर। ये आपके पास दूसरा आंसर आ गया।